ये रहा भाई एयरबैग आपका, ये पैसेंजर साइड जो एयरबैग होता है ना भाई वो यहाँ पे होता है। सीट हो गई कर दी भाई, भाई। इतनी जल्दी भाई, लिटरली बता रहा हूँ भाई ने 2 मिनट ना लगाए यार इसको करने में फिट। वो देखो भाई पीछे जा रही है अपने आप, कोई नहीं सरकार है देख लो भाई साहब, तुम तो कलाकार ही पड़े हो यार। हेलो भाई मैं उन पर, आप लोग भाई पूछते रहते हो ना कि अरुण भाई फॉर्चूनर फॉर्चूनर फॉर्चूनर, भाई सबको भाई फॉर्चूनर का ही वेट है, कोई नॉर्मल वीडियोस तो हमारी देखना ही नहीं चाहता भाई, सबको कन्वर्जन ही चाहिए। आज मैंने आके छापा मारा ना यहाँ पे भाई, जैसे ही मैं पिछले हालत में छोड़ के गया था ना, जैसे मैंने आपको दिखाई थी सेकंड पार्ट में कि बस पार्ट हमने चला के देख लिया, ये भाई बस इतना ही काम करा है भाई बंदे ने, और इसके आगे तो हार्ड टच भी नहीं लगाया भाई। मैं कर दूं तैयार फिर, कर दूं तैयार फिर तुम कहो भाई, और अपनी गाड़ियों में लगे तो बनाए नहीं हमने दुनिया भर के, और उनमें तो लगे रहते हैं फालतू के डिमकाने में, देखने कारी पीरी फॉर्चूनर को करने में उनको, सॉरी स्कॉर्पियो को, भाई 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 टायर तो यूज में आने हैं भाई इन पे, मतलब एक लट्टू तक नहीं हटाया है भाई, कैसे दिन आ गए हैं देखो, ये लट्टू तक नहीं हटाया गया भाई पे भाई, कमाल है यार। चलो आज देखते हैं भाई क्या करने वाले हैं हम इस गाड़ी में। भाई वहाँ खड़ी कर रखी थी देखो, वहाँ पे लीक बन रखी है, ये पीछे से कुछ काम ही नहीं करता ये भाई बताएगा जिसने गाड़ी खोली थी भाई, क्या मना करता है ना कि इसकी पर रहने दो, इसकी गाड़ी को रहने दो। ऐसा था थोड़ा अर्जेंट काम था, अर्जेंट काम भाई अर्जेंट, आपकी आपकी ही गाड़ी में काम होगा अभी कुछ देर के बाद, आप देखना क्वार्टर पैनल स्टोर होता है नया वाला। अच्छा जी देखते हैं, चलो भाई ये उबेश से पूछता हूँ, उबेश ईमानदार है, तुमने तो पिछली बार भी बहुत तारीफ करी थी, उबेश पैसे वैसे देता है ना ऐसे तारीफ वारीफ करते अगर, और उसकी फॉर्चूनर को ऊपर रहने दो मत करना है ना, इस चीज के लिए तुम भाई ये बंद बता दियो। अब आवाज क्या करने वाले हैं हम, मैकेनिक साहब मिस्त्री बताओ, सारा अंदर का सिस्टम तो देख रहे हो तुम, जिसको कह रहे हो कि भाई ये लट्टू तक नहीं उतारा, अब बाहर का बता रहे थे ना, अब अंदर का डैशबोर्ड सब उतार दूंगा आज, सब कुछ बोर्ड सीटें ये आपका नीचे का सिस्टम विस्टम सब सब फाड़ देंगे पूरा बाहर। चलो भाई बाहर से पोस्टमार्टम तो कर दिया था लेकिन इंटीरियर हमने छोड़ दिया था, मतलब अभी तक चलने लायक तो थी, इमरजेंसी केस में दिन दहाड़े चला सकते थे, पर आज हमारे भाई साहब इसको इंटीरियर का पोस्टमार्टम तो होएगा और साथ ही साथ क्वार्टर का भी कराऊंगा। ओ भाई बड़ी देखता हूँ कि पहले शायद एक ही कर दूं, पहले अंदर का ही काम करते हैं आज और फिर क्वार्टर देखें बाद में, देखते दोनों में से दोनों चीज पहली चीज कौन भाई करो फिर फटाफट इसको सारा। ये तो भाई कुछ नहीं होता है इन सीटों में, तो यहाँ पे नटवट से लगे होते हैं, ये देखो जैसे ये वाला है भाई ने एकदम उठाया और यहाँ पे पूरी ये खुल के बाहर आ जाएगी, ये देखो बस खत्म फाइनल टाटा बाय बाय, बहुत दिन बिठा ली इसने, अब वे सब बैठने का मन नहीं करता इन पे है ना, अब ये थोड़ा बुरी सी लगती है, अब वो और फेंकती है बदबू, ये लेदर की सीटों में ही ना ये बड़ी दिक्कत होती है, यहां से चलने लगती है फाड़ देना इन्हें, पेचकस ले और फाड़ दे फाड़ दे फाड़ दे फाड़ दे फाड़ दे यहाँ कहाँ आई अम्बे यार, टोयोटा व्हाट इज दिस नॉनसेंस क्वालिटी यार, ये कोई क्वालिटी होती है, वेस्ट ऑफ मनी देखियो हमारे उबेस में जान, देखो भाई मुर्गा खा खा कितनी तगड़ी बन रखी है इसको, मैं इसे कल पूछ रहा इसको मटन पसंद नहीं है लेकिन इसको चिकन काफी अच्छा लगता है, चिकन तो लव है इसका भाई, ये देखो गद्दे से होते हैं पर अच्छी क्वालिटी के हैं, कवर से फट जाते हैं ये वो अलग चीज़ है भाई, और ये भाई देखो यहाँ से स्टेयरिंग स्टेयरिंग भाई साहब ने खोलने लग गए, इसका अलग होता है कि सब गाड़ियों का यही से ही होता है, वो इस किसी में लॉक होते हैं दबाने वाले पुश करने वाले, हाँ इसमें पेच होते हैं। अच्छा पेच वाले होते हैं भाई, देखो ये एयरबैग खोल दें के खोल दें, आज तुम्हें एयरबैग खोल के दिखाऊंगा, खुल जाएगा यही में ही इसी में बाहर रख के खोल, ये तो देखो साइड से पूरी भाई निकली गई है पूरा सिस्टम इसका, और यहाँ पे मैंने इसके निशान विशान भी मार दिए हैं, और बाकी ये जो मीटर वीटर है ये इस तरीके से पूरा खोल दिया गया है, ये भी भाई उसका भी कोई काम नहीं बचेगा, मतलब बचेगा ये तार वार इतने पहले रहते हैं बस बचेगा, पर हमारी गाड़ी में नहीं दूसरे की किसी और की में बच जाएगा तो ज़्यादा बढ़िया है, ये देखो ये एसी वेंट वेंट का भी डिज़ाइन जो होता है सारा भाई ने फटदसी खोल दिया है, धूल मिट्टी भाई इतनी अंदर घुसी जाती है देखो, पूरा पैकड रहता है इंटीरियर लेकिन स्टिल, और भाई देखो जैसे भाई की जो फॉर्च्यूनर में ये वाला जुगाड़ है ना ये ऐसे रहता है भाई, स्टीयरिंग रोड पूरा स्टीयरिंग स्टीयरिंग सारी चीजें खुल गई और अब स्टीरियो खुल जाएगा, उस दिन बहुत लेके हांड रहे थे हम इसको, आज कोई चला के दिखा देना आज कैसा ना गियर छोड़ा है ना स्टीयरिंग छोड़ा, कुछ भी नहीं बचेगा आज इसके अंदर, सीट खुली हुई है ना खाली बैठने के लिए, और ये है भाई वो
टोयोटा का ये स्टीरियो, ये कहाँ जापान से बन के आया है, ये टोयोटा जापानी कंपनी है ना भाई, फ्यूजिसन फुजिस्तन जिन कौन सी कंपनी ने बनाया है। देखो छोटा सा, इसके अंदर कोई कार प्ले नहीं कुछ नहीं, बस ब्लूटूथ था। और इसकी टच अब खराब हो गई थी भाई बिल्कुल पूरी तरीके से, टच वच काम नहीं करती थी इसकी प्रॉपरली। और भाई डैश कैम प्रॉपरली उतरेगा, बड़ा महंगा 22-23 हज़ार रुपये का प्रो, भाई मैंने इतना खर्चा कर रखा है इस गाड़ी में, तो इस 22-23 हज़ार रुपये का तो डैश कैम लगा रखा था मैंने इसके अंदर। इस सबको उतारूंगा जिससे कोई दिक्कत अपने को ना बने, ना पेच वेच गाड़ी की पड़ी है भाई सारा कुछ। इतना दर्द होता है यार ऐसे नई गाड़ी को खुलता हुआ देख के, ना बन पाई तो क्या होगा, पर वही है ना भाई भरोसा है ना पूरा पूरा भाई बनी जाएगी, इसीलिए फिर कोई ऐसा ज़्यादा वो नहीं होता कि चलो अच्छी बन के आएगी। अरे पेज उठाया उस्ताद जी, तरफ से क्या उस्ताद जी? हाँ। पेज कैसे आ गया? एक मिनट रुक पहले मूर्ति हटा दो बस। मेरा भाई एयरबैग आपका, ये पैसेंजर साइड जो एयरबैग होता है ना भाई वो यहाँ पे होता है पीछे की साइड, लेकिन डैशबोर्ड में से दिखता है नहीं है ये पूरा। अगर आप इसको हटाओगे, हटाइए इसको पीछे से, ये देखो भाई पूरा एयरबैग का पूरा सिस्टम ये वाला निकल के आता है जो इधर रहता है अपना, इसमें से इसको सिग्नल मिले पीछे से। देखो ये जा रहे तार इसके, हटिए यहाँ से अपना फूट जाता है, इसमें से गुब्बारा निकल आता है तुरंत ही। और जो डैशबोर्ड के अंदर जो ये सब चीज़ रहती है ना वो ये वाला सौदा रहता है भाई। और हम आपको जो जैसे पुराना उतरता हुआ दिखा रहे हैं, नया इसी में इंस्टॉल कैसे हो जाएगा वो भी देखना भाई, कमाल की चीज़। क्योंकि पुराने के पेच अलग रहते हैं भाई, नए के पेच अलग रहते हैं। हम जैसे पुराना ये वाला पेच है, वो वाला नए वाले का पेच यहीं पे थोड़ी होगा भाई। मैं नए वाले का, तुझे नहीं पता क्या इसका क्या वो नए वाले डैशबोर्ड लगाने का? नहीं यहाँ पता है, फिर मैं वही तो पूछ रहा हूँ। बोल्ट टू बोल्ट दूंगा। बोल्ट टू बोल्ट? बोल्ट टू बोल्ट मतलब यही आएगा नए वाले का भी? मैं कह रहा बोल्ट टू बोल्ट दूंगा, आप दिखा देना। अच्छा जी भाई, ये तो कमाल है यार, मतलब टोयोटा नहीं करके दे रखा है, कुछ कलाकारी कर देगा। नहीं भाई वो हो जाता है भाई, हो जाता है, इंडिया ये सब इधर पॉसिबल है। ये होते भैया अपने एसी के नली फली, ये देखो कैसे सूंड से निकले होते हैं इनके, ये लो अरे ये निकल के फेंक गया। देखो सारा सामान वहाँ पे हम कलेक्ट करते जा रहे हैं, क्योंकि हम आगे इसको किसी पार्टी को बेचेंगे भाई। ऐसे भी कबाड़ नहीं है ये, तो हम लिटिल लिटिल सा ऐसे ही फन करते रहते हैं, लेकिन ये वाले जो चीज़ देख रहे हो ना सब बिकेगा ये सब चीज़। क्योंकि किसी का जैसे मान लो किसी का भाई आर्मरेस्ट ख़राब है, किसी की गाड़ी का फॉर्चूनर का कोई पंजाब पंजाब में, किसी का स्टेयरिंग खराब है, किसी का स्टीरियो खराब है, कुछ भी खराब है लिटिल लिटिल सा, तो सारा ए टू जेड सब कुछ बिक जाता है। ठडरो भी भाई ने यहाँ पे खोल के पटाख जैसी फेंक दी है, और यहाँ पे अपना ये तो आगे का सिस्टम चल ही रहा है पूरे ही, मतलब वो कर देते हैं बिल्कुल कसर नहीं छोड़ते हैं। और सीटों का ढेर अपना यहाँ पे तुरंत के तुरंत बार बार लगे जा रहा है भाई। डैश कैम की जो चेप अक्सी होती है इतनी स्ट्रॉन्ग होती है भाई, ऐसे छूटती नहीं है ये यहाँ पे, उससे काट नहीं पड़ रही हमको, क्योंकि भाई नई वाली फॉर्चूनर की विंडशील्ड पे भी तो लगाना है हमको ये तो इधर उधर इनमें मिक्स हो गया ना, तो खामा गई कि महंगी चीज़ का नुकसान हो जाएगा यार। ये तो ऐसा है चलो नई फॉर्चूनर में कोई भी काम नहीं आने का, लेकिन ये तो आ ही जाएगा ना, तो किसी भी चीज़ को वेस्ट नहीं करना चाहिए। वायरिंग तो ये हमने खोली दी है, तो सबको इस डिब्बे में पैक कर देता मैंने, इसीलिए बचा के रखा था ये डिब्बा भी कि भाई कल को खुलेगी तो ये रखना पड़ेगा, मुझे पता था। और ये वैसे घुमा के देखो नहीं कुछ भी ये घूमेगा ही नहीं भाई, ये इसका भी अलग ही मैकेनिज्म होता है पूरा सिस्टम, ये भी नहीं घूमेगा भाई बिल्कुल भी। वो तो स्टेयरिंग से वो ये ना राउंड में होता है दम में घूम जाता है, ऐसे नहीं घूमता भाई ये भी, इसको बदलो बंद ही कर देते हैं।
ये इंजन ही रहेगा, लेकिन भाई वो वाली नहीं शेप, 3000 सीसी मजा ही आ जाएगा यार। तो भाई सारी सीट अपनी इसमें से हट चुकी हैं, अब बारी है भाई नई सीट इंस्टॉल करने का। अब बारी आ जाती है भाई, नया इंटीरियर लगाएंगे इसमें हम पहले, लेकिन उसमें सबसे पहले लगेंगी हमारी ये सीट्स। तो जो हमारी सीट है भाई नई वाली, वो देखो कुछ इस कंडीशन में फिलहाल अभी। ये भाई इसमें वही है, क्लीनिंग व्लीनिंग होगी ये एकदम, तो टोयोटा से पन्नी पैक आती नहीं है, वही है जुगाड़ू सिस्टम सब होता है। ये भी भाई इसके अंदर भी, जैसे जो हमारी पुरानी वाली सीट थी ना, जैसे ये वाली, हाँ ये वाली, इसमें भी देखो साइड में यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉनिक वाला सिस्टम था आगे पीछे करने का या लुटाने विटाने का, इसके अंदर भी सेम है। बस टोयोटा ने क्या ये मार्किंग वगैरह ऐड कर दी थी बाद में, बाकी इसका ऑपरेशन भी बिल्कुल सेम एग्जैक्ट ऐसे ही होते हैं। और नीचे से होगी इसकी वायरिंग सेम, उसमें सेम कपलर वपलर में थोड़ा सा जुगाड़ करके लिटिल लिटिल सा, क्योंकि भैया वारंटी वारंटी तो जब भी कुछ नहीं है। देखो भाई वाली फॉर्चुनर की सीट वगैरह प्रॉपरली वर्क करती है, चाहे स्टार्ट होती हो ना होती हो, पर जो छोटी मोटी चीज़ें ना, जैसे स्टीरियो ऑन होना, सीट वगैरह ऑन होना, ये एकदम ढंग से काम करता है। तो अभी इसका कनेक्शन करके, कनेक्शन इतना ढंग से नहीं दिखाएंगे आपको, वरना हर कोई नहीं कर लेगा, एक आज उस्ताद ही होता है हर फील्ड में हमारे पास, जैसे ये भाई है, तो वही आगे पीछे करके जब दिखाते हैं आपको भाई कैसे इंटीरियर हमारा सेट होएगा, आप देखना। अब तो ये भी नहीं चल रही है, तो स्टार्ट हो जाएगी अभी। हाँ स्टार्ट तो हो ही जाएगी भाई, लेकिन रिस्क नहीं लेंगे खामा खा, है जाएगी ना स्टार्ट। नहीं है यार, बैटरी की तार हटा दिएगा। अच्छा लगाइए एक बार भाई, स्टार्ट तो करके देखें, कोई मीटर नहीं कुछ नहीं, वो तो सब ऐसी दिखावटी चीज़ें है ना, मेन तो काम इंजन का है भाई, और वायरिंग फायरिंग सब बन रखी है, लगा दिए भाई ने वो, तो थोड़ा आगे ना लग जाए, प्रॉपर ना हुए टाइट करूँ। देखो भाई ऐसी ऐसी आपने सोचा बिना सीट के अब कोई ड्राइव करके दिखा दो इसको, और चोर वोरों से बचना है ना सबसे मेन तरीका, जो दिल्ली वाले लोग जिन पर पार्किंग अच्छी नहीं होती। तो भाई अपने स्टेयरिंग ऐसे निकाल के चले जाया करो, डैशबोर्ड वैशबोर्ड ऐसे सुबह आके ऐसे वो बेस भाई पे फिट करवा लिया करो, वो बेस्ट आपकी कभी फॉर्च्यूनर वगैरह कुछ भी चोरी नहीं होगी। अगर वो चोरी करना चाहे घने प्रोफेशनल चोर रहे बिल्कुल ही मास्टर माइंड, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका इंजन लेके जा सकते हैं, बाकी उन पर कुछ भी नहीं लेके जाया जाएगा भाई। लो भाई फिट, ये भी बिल्कुल एज टू एज फिट हो जाती है। टोयोटा ने बताओ जो पुरानी फॉर्चुनर और नई वाली फॉर्चुनर में सीट वीट का पूरा सिस्टम सेम ही रखा है यार, कमाल कर दी है। लो अरन भाई आपकी सीट हो गई। कर दी भाई, भाई। इतनी जल्दी भाई, लिटरली बता रहा हूँ भाई ने 2 मिनट ना लगाए यार इसको करने में फिट। ओ देखो भाई पीछे जा रही है अपने आप, कोई नहीं सरकार है, देख लो भाई साहब तुम तो कलाकार ही पड़े हो यार। इसको टाइट फाइट भी मतलब इन्हीं नटों पे हो जाती है, ये देख रहे हो भाई सीट फीट हमने जो खरीदी थी ना, ये सब 5.5 लाख रुपए का माल है भाई, जिसमें सारा सीट फीट डैशबोर्ड सब कुछ इंग्लिश। ये आगे इससे भी आगे गिर जाएगी क्या सीट है? लास्ट तक ना ना रुक गई क्योंकि भाई सीट ना पूरा ये सिस्टम अलग रहता है, मोटर वोटर सीट में ही आती है, हमको बस कनेक्शन करना होता है भाई और कुछ नहीं। उतारना होगी तो उतर भी जाएगी, हेलीकॉप्टर लगाना है। अच्छा उतर भी जाएगी आराम से, रुक तो जा ये वाला तो दिखा दूं। अच्छा ये सिंपल कपलर है भाई यार, ये बढ़िया जुगाड़ है यार, कुछ ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है भाई, ये जो कंपनी में सर्विस सेंटर में काम करवाते हैं ऐसे ही ठगते हैं भाई, छोटे छोटे कपलर हो के बस पूछो मत ना कितने कितने पैसे लेते हैं। अच्छा लोड जाओ भाई इसके अंदर, तो यार इसमें तो मस्त लोड भी सकते हो, कितनी नीचे तक जा रही है, ये इसकी लिमिट है, ऊपर उठाइए। देखो भाई इसमें आपको लॉन्ग जर्नी करनी है, आप आराम से इसमें न्यू वाली में कर सकते हो। और भाई जैसे दुर्बई वाली फॉर्च्यूनर में तो आपने देखा होगा बीच कलर का इंटीरियर है, लेकिन मैंने पिक करा है नॉर्मल ब्लैक वाला, ये थोड़ा ब्राउन है, लेकिन इसको भी है ना मतलब अभी जब करवाऊंगा फिट ढंग से करवाएंगे तो इसमें क्या है मैं प्रॉपर ब्लैक वगैरह करवाऊँ, क्योंकि थोड़ा ब्राउन मेरे को अच्छा सा नहीं लगता है ये। अच्छे इसके एयरबैग थोड़ी खुलेंगे अगर एक्सीडेंट हो गया, नहीं खुलेंगे ना ये वाले खुल जाएंगे, जो आगे वाले खुल जाएंगे नए डैशबोर्ड में जो रियल है। हाँ, वो क्योंकि इनका कनेक्शन एयरबैग वाला नहीं हुआ होगा। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि सेंसर उसमें ज्यादा वो है भाई ताम जाम, इसमें तो बस एक नॉर्मल वैसे करंट दे दिया है, अब वैसे एयरबैग खुलवाना होगा तो भाई फिर तो देखो 50-55 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे अगर हमको स्टेयरिंग में भी करना पड़ेगा तो। इसी तरीके से हमको पूरे सीट हम फिट करेंगे। अच्छा ये वाली जो सीट होती है इसकी भी इलेक्ट्रॉनिक चल जाएगा? हाँ, इसका भी चलेगा। इसका भी चलेगा, इसके अंदर ये बस वो आता है वेट वाला, उसमें भी कपलर लगाऊंगा, वायरिंग दूंगा। तो भाई इंटीरियर अपना पूरा खुल चुका है, यहाँ पे हर चीज एकदम रिमूव हो गई है, अब हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करते हैं भाई। एक सीट भी यहाँ पे लगा दी है, पूरा कंप्लीट इंटीरियर को इसको बनाएंगे, यहाँ पे पूरा डैशबोर्ड स्टेयरिंग हर चीज नई लगेगी, और खास बात जो मीटर की लोग कहते हैं वो भी सब आएगा, और ये सब कचरा पड़ा है इसका, ये सब बिकेगा भाई कहीं ना कहीं, तो ये बेच ही देंगे 80-1000 रुपये का, मतलब बाहर का अंदर का चला जाता बताया। और इसकी सीट वीट खुली हुई ऐसी,
पड़ी है भाई। चलो अगले वीडियो में मिलते हैं भाई, इसका अंदर का भी पोस्टमार्टम कंप्लीट सक्सेसफुल हुआ, जिसमें भाई कोई भी दिक्कत नहीं पाई, सारा सामान ए टू जेड, कपलर ही कपलर कितने होते हैं गाड़ी में वो अभी आप देख सकते हो। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।